हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार मोटर्स। ये है भाई हमारी बेस वेरिएंट सेल्टोस, जो कि आप लोगों को पता ही है, पूरी बेस वेरिएंट है। जैसे फॉग लाइट नहीं है, अलॉय व्हील नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या करा है वो आप लोगों को ऐड ऑन करके मैं पूरा का पूरा शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो ग्रिल ग्लॉसी होती है वो ग्रिल ग्लॉस करके कम्प्लीट करी है, ठीक है। पूरी ग्लॉस आप लोगों को शाइनिंग मिलने वाली है इसके अंदर, और 00 फिटमेंट के अंदर पूरी की पूरी रेडी हो जाती है अपनी। LEDs जो है गाड़ी के अंदर चेंज करने वाले हैं हम, जब विंटर्स चली जाएगी। भैया की डिमांड है कि विंटर्स के बाद LEDs इंस्टॉल करेंगे। फॉग लाइट ऑप्शनल है, वो लास्ट में देखेंगे। अगली चीज़ भाई, अलॉय व्हील अगर किसी को चाहिए, हमारी नीचे प्लेलिस्ट आ रही है, आप नीचे वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं सेल्टोस की। उसमें अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। इसके अंदर आप लोग 17-18 इंच का कोई भी अलॉय व्हील इंस्टॉल कर सकते हैं। 16 चाहते हैं तो सोनेट एंड वेन्यू के अंदर सेम ऑप्शन मिल जाते हैं, एक अपना किया का, एक हुंडई का, तो वो भी इसके अंदर इंस्टॉल हो सकता है इजिली। साइड बेंड्स इंस्टॉल कर दिए हैं, यहाँ पे इंडिकेटर आता था वो हटा दिए। ऑटो फोल्डिंग मिरर, LED और अलॉय व्हील, ये तीन काम है जो इसमें नहीं हुए, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर रूफ रेल लग चुकी है, डोर वाइजर हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल करें, बाकी लोअर गार्निश है 6 पीस की जो यहाँ पे लगी हुई है। बैक साइड पे आते हैं तो टेल लाइट ऑप्शनल है, टेल लाइट इतना रिकमेंडेड नहीं है, मतलब कि ऑप्शनल रहता है, जिसको कस्टमर की डिमांड हो तो लगा देते हैं, अदरवाइज इतनी कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको टेल लाइट लगानी है डिग्गी वाली। नीचे की साइड बुलगार्ड इंस्टॉल किया गया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि पीछे जो सिल्वर आता है ग्लोसी, उसको थोड़ा सेव करने के लिए ये लगाना थोड़ा ज़रूरी रहता है। नीचे की साइड आते हैं तो नीचे की साइड हम लोगों ने OEM टाइप में HD कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। मेन जो है अंदर की साइड है, तो अंदर ही बताता हूँ। पार्सल ट्रे भी जो है रह गया इसके अंदर। सबसे पहले आप लोगों को पीछे से दिखाता हूँ ये वाला पार्ट हम लोगों ने हाइड्रोडिप पेंट ग्लॉस पियानो करा है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल ग्लॉस पियानो के अंदर आप लोगों को मिलने वाला ये वाला पीस, दोनों का दोनों। ये वाला सॉफ्ट टच हम ही करते थे पहले भी, और आज भी हम ही कर रहे हैं सेल्टोस के अंदर। ये वाला सॉफ्ट टच करना मुश्किल होता है, क्रेटा के अंदर आसान होता है, तो ये वाला पूरा सॉफ्ट टच के अंदर करा है रेडी, साथ में डुअल स्टिचिंग लेदर रैप। अंदर की साइड देखते हैं तो सीट कवर की फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की आती है। बाकी आगे की साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इंस्टॉलेशन हुई है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर भी सेम, ये 4 डोर के अंदर हम लोगों ने ये 2 पीस ग्लॉसी पूरी चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है। फुल टू फुल ग्लोसी रहने वाली है, पियानो फिनिश मिरर फिनिश रहती है ये, जैसा आप लोगों को कंपनी से मिलता है, तो ये चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आगे वाला पीस थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें भी फोमिंग इंस्टॉल हो रखी है सॉफ्ट टच के लिए। उसके बाद डुअल स्टिचिंग पूरी पैरेलल, और फिटमेंट पूरी हम क्लोज 0-0 करके देते हैं, तो 0-0 फिटमेंट के अंदर ये भी हम लोगों ने पूरी 0-0 कर रखी है। डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सीट कवर का पूरा ओवरलुक चेकआउट कर लें। सिंपल सोवर डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। साथ में जो कलर है हम लोगों ने ब्राउन कलर इसमें इंस्टॉल करा है, इंटीरियर के साथ करा है, तो पूरा मैच हो जाता है, इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, तो पूरा मैचिंग रहता है। कंसोल भी रेडी कर दिया इसका, और उसकी भी फिटमेंट हमारी जो है 0-0 रहती है, देख सकते हैं किस तरीके का आने वाला है। साथ में इसके अंदर हम लोगों ने क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल करा, ये किया का जेन्युइन पार्ट रहेगा आप लोगों का, ये भी किया का जेन्युइन पार्ट रहेगा। साइड मिरर ऑटो फोल्डिंग करेंगे तो स्विच मिरर आप लोगों के जेन्युइन पार्ट इंस्टॉल होंगे। बाकी पियानो फिनिश जो कंपनी से आती है आप लुक चेकआउट कर सकते हैं, और जो हम लोगों ने करी है उसका भी आप लोग लुक चेकआउट कर सकते हैं। अभी क्लीनिंग हुई है थोड़ी सी, फोम लगा हुआ है इसके ऊपर, बाकी मिरर फिनिश रहता है पूरा का पूरा, चेकआउट कर सकते हैं देखें। तो ये भी मिरर के अंदर है, बाकी स्क्रीन 10.33 इंच हाइपरसोनिक एज ऑलवेज विथ फ्रेम ग्लॉस ब्लैक फ्रेम इंपोर्टेड। डैशबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने डुअल लाइनिंग करी है पूरी की पूरी, और जैसा आता टॉप वेरिएंट में सेम है, ब्लैक के ऊपर रेड स्टिचिंग आती है, बट भैया की डिमांड थी ब्राउन कर दो, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले वाली गाड़ी के अंदर ब्लैक एंजॉय कर रखा है, तो सबकी अलग अलग डिमांड होती है भाई, सारे कलर बनाते हैं आप लोगों ने, व्हाइट ब्लैक ब्लू और ब्राउन जितने भी कलर हैं हमारे पास देख लिए, टील ग्रीन हो गया, तो सारे कलर्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखे हैं। अंदर की साइड आते हैं, नीचे पूरी फ्लोरिंग करी है, डाई वाली फ्लोरिंग करते हैं, लोग क्रोकोडाइल एंड डाई में कन्फ्यूजन है, डाई वाली फ्लोरिंग सिंगल पीस सिंगल कारपेट की होती है, उसके अंदर कट एंड पीसेज नहीं होते हैं। 7 सीटर के अंदर 2 पीस होंगे, 5 सीटर के अंदर एक भी पीस नहीं होता है। सामने आते हैं, ये ग्लॉस कंपनी ने करके दिया था और ये ग्लॉस हम लोगों ने करके दिया है, तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, बल्कि इससे इस वाले AC पैनल से कंपेयर कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर हो रखा है। साथ में ये वाला सिल्वर आता है, इसको हम लोगों ने पूरा ग्लॉस ब्लैक के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। गियर नोब खाली रह गया इसके अंदर लगाने के लिए, बाकी अदरवाइज पूरी गाड़ी कंप्लीटेड है। बाकी डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से आने वाला है। चलते हैं भाई स्टेयरिंग की तरफ अगेन, तो स्टेयरिंग में हम लोगों ने क्रॉस स्टिचिंग दी है ब्राउन कलर की ही नायलॉन थ्रेड के अंदर, जो कि टूटती नहीं है, नहीं टूटेगी ना ही कहीं जाएगी, 0-0 फिटमेंट के अंदर ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये भी सारी जितनी चीज़ें होती है भाई हमारे पास 0-0 होती है, कपलर टू कपलर होती है, कोई वारंटी वर्ड होने वाला सीन नहीं होता है इसके अंदर भी। तो ये अपना हो गया भाई स्टेयरिंग रेडी पूरा का पूरा, देख सकते हैं। ऑल ब्लैक लिया भी है ने, मून टाइप डिज़ाइन ले सकते हैं, बट ऑल ब्लैक डिसेंट जो लुक चाहिए होती है ना, तो वो ऑल ब्लैक के अंदर ही आती है, और ऑल ब्लैक ही टाइम के साथ अच्छा लगता है, बिकॉज हाथ कभी भी खाते पीते गंदे होते हैं, तो आप चला रहे हो अगर आपने यहाँ लाइट कलर का मून बनवा रखा है तो लाइट कलर का मून गंदा होगा, बट जिगजैग स्टिचिंग जो अपना GTX वेरिएंट में आता है सेम टू सेम।
कोई नहीं कह सकता कि भाई ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट है या फिर क्या है, जेन्युइन काम करके देते हैं, जेन्युइन ही इसमें हो रखा है। यहाँ पे अपना साइड वेंट हो गया, अपना साइड का डैशबोर्ड हो गया, सेंटर डैशबोर्ड लंबे पीस के अंदर हो गया, क्वालिटी वाइज एक नंबर, 00 फिटमेंट अगेन, एंड अपना जो पूरा का पूरा स्टीरियो है, आउटलुक चेकआउट कर सकते हैं। सीट कवर्स पे अगेन चलते हैं, तो सीट कवर का डिजाइन आप लोग देख चुके हो किस तरीके का है, बट हम लोग हाई डेंसिटी फोम यूज करते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। ये जो लोग दबा के दिखाते हैं ना ऐसे करके कि भाई ये देखो हमने फोमिंग इंस्टॉल करी है, बहुत सॉफ्ट कुछ नहीं है, ये जो फोम दब रहा है ये है भाई आपका सीट का जो कंपनी से लग कर आया है। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो हम हाई डेंसिटी इंस्टॉल करते हैं वो ये है, 20mm की फोम इंस्टॉल करते हैं हम लोग, अंडर थाई सपोर्ट में भी 20mm की फोम ही इंस्टॉल हो रखी है, देख सकते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे करके दिखाऊं तो उसके अंदर भाई आपकी सीट की फोम दब रही है, ना कि जो हम लोगों ने इंस्टॉल करी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी स्टिचिंग पूरी की पूरी सिल्वर रखी गई है कार के अंदर, ए टू जेड आप लोगों को सिल्वर ही देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी ग्लॉस का भी शाइन देख सकते हैं भाई किस तरीके से पूरा शाइन कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। ये था, बाकी उसके बाद आप लोगों को सिस्टम की तरफ लेके चलता हूँ, ऊपर लाइट्स वाइट करी है। सिस्टम के अंदर चलते हैं तो सिस्टम के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, 464 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, QLED स्क्रीन है, सिम कार्ड सपोर्ट करता है, सिम कार्ड लगा दोगे ऊपर से आप लोग डायरेक्टली डाटा ऑन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। डाटा ऑन करने के बाद आप वाईफाई कनेक्ट करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, बाकी वाईफाई भी करंटली कनेक्टेड है। प्ले स्टोर चेकआउट करते हैं, लॉगिन कर लिया कस्टमर ने, नहीं करा है, प्ले स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, DSP इनबिल्ट आता है इसके अंदर, साथ में दो चार एप्लीकेशंस और आती है जैसे DSP सेट हो रखा, ठीक है, दो चार एप्लीकेशन और आती है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, प्राइम वीडियोज़ हो गए, डिज्नी प्लस हो गया, जो आप जनरली देखोगे वो सब प्री इंस्टॉल आता है। वीडियो की क्वालिटी चेकआउट करा देता हूँ किस तरीके की रहने वाली है, इसमें कोई HD वीडियो चलाते हैं एक बारी, ये देखें 4K की क्वालिटी चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके की आएगी। तो बहुत ही बढ़िया आउटलुक है। अगर सिस्टम के बारे में देखते हैं तो हाइपरसोनिक का सिस्टम है, ब्रांडेड सिस्टम इंस्टॉल करा है इसके अंदर भी, और किसी को 13 इंच चाहिए, 10.3 चाहिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए, सारे अवेलेबल रहते हैं, स्टार्टिंग रेंज 5500 ओनली। फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं, 00 फिटमेंट में ये भी हमने इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। डबल लेयर डैम्पिंग करी है, मोरल के कॉम्पोनेंट्स MK2 इंस्टॉल करें हैं, एम्पलीफायर नहीं है, मिनी एम्पलीफायर इनबिल्ट है इसके अंदर, बैक साइड पर हम लोगों ने इंस्टॉल करके दिया है। आप लोगों को एक बार साउंड आउटपुट चेक करा देता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर अभी सब ऑफर की नीड नहीं है, क्योंकि भैया ने वोकल कम करा के हल्का सा बेस ऊपर करा रखा है, बाकी डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, हर कोई बूफर भी सजेस्ट करते हैं, अंडर सीट भी होता है, स्टेपनी बूफर भी होता है, साउंड आउटपुट के लिए एम्पलीफायर 4 चैनल भी इंस्टॉल होता है, सब कुछ अवेलेबल रहता है हमारे पास, वन स्टॉप शॉप, काउंटिंग कार्स, न्यू स्पेस एट कीर्तिनगर रामा रोड। तो आप लोग हमारे पास अगर ये काम कराना चाहते हैं तो आ सकते हैं, होपफुली वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आप लोगों को तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ, देखो इम्पोर्टेड की आप लोग लाइट देख सकते हैं किस तरीके की है, ये कंपनी की है, और जो हमने ग्लोसी करा है तो हमारी ग्लोसी किस तरीके की है, तो ये दोनों तो बिल्कुल क्लोज हैं, ये इम्पोर्टेड में हल्का सा जो है आप लोगों को शेडीनेस दिखेगा, बट ये जो है क्वालिटी काफ़ी फाइन रहती है, तो इसको हम लोग अगेन नहीं करते हैं क्योंकि इसके पीछे फाइबर ही होता है, तो क्वालिटी काफ़ी फाइन रहती है, उस हिसाब से हम लोगों ने रेडी कर रखा है। होपफुली वीडियो देख के मज़ा आए, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, मिलेंगे दोबारा से न्यू स्पेस पे नई कार के साथ, जहाँ पे आप आके अपना काम करा सकते हैं, बेस टू टॉप मॉडल बनवा सकते हैं, और किया जेन्युइन पार्ट्स भी इंजॉय ले सकते हैं, जैसे यहाँ पड़े हुए हैं भाई Hyundai एंड किया ऑलवेज अवेलेबल। तो आप लोग आएँ, एक मौका दें भाई सेवा का, और हम आपको काम करके दिखाते हैं किस तरीके का हम लोग काम करके दे सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।